स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड ग्लोबली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और भारत में 2020 से 2025 तक इसकी डिमांड 12 परसेंट सी एजीआर ज्यादा की तेजी से ग्रो होने का अनुमान है एंड यूजर सेक्टर्स जैसे फूड ऑटोमोबाइल रियल एस्टेट कॉस्मेटिक्स इत्यादि में इनकी डिमांड बढ़ने से स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफेक्चरिंग कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है और इनकी डिमांड में तेजी इवेंचुअली भारत में इस सेक्टर की ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाएगा इसके अलावा सरकार के इनिशिएटिव्स जैसे पीसीपीआईआर पॉलिसी और पीएलआई स्कीम्स ने मैन्युफैक्चरर्स का अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाया है जिस तरीके से दूसरे देशों में पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स भी भारत की फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए यहाँ फोकस बढ़ा रहे हैं और ये सारी बातें भारत की स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट के उज्जवल भविष्य और जबरदस्त ग्रोथ की ओर संकेत दे रही है अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन स्मॉल कैप स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक के बारे में जो भी स्पेशलिटी केमिकल फील्ड में बहुत उमदा काम कर रही है हम इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे लेकिन इससे पहले आपको स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का जबरदस्त फ्यूचर समझ आ रहा है और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूँकी आपके लिए जल्दी ऐसी जल्दी क्वालिटी स्टॉक्स और थीम्स को लाना ही इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए मैं आपके साथ का अभिलाषी हूँ दोस्तों जिन स्टॉक्स में से एक स्टॉक की आप लोगों की तरफ से एनालिसिस की डिमांड आ रही थी और जिसका आज हम कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे उसका नाम है फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ खास आंकड़ों के साथ मैं इस कंपनी के बारे में आपके साथ अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगा लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ की मार्केट कैप की इस कंपनी की लगभग साढ़े छत्तीस और साढ़े उन्तीस परसेंट की आरओसी और शानदार है इस कंपनी का मेन काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफेक्चरिंग का है इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन वाटर ट्रीटमेंट पेंट इंडस्ट्री इत्यादि के लिए भी केमिकल्स बनाते हैं इनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग जैसे प्री ट्रीटमेंट डाइंग प्रिंटिंग और फिनिशिंग प्रोसेस के लिए बनते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं इनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट सत्तर कंट्रीज में है और इनका एफ के आंकड़ों के हिसाब से ऑलमोस्ट सत्ताइस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है धीरे धीरे ये कंपनी जिसका ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट रेवेन्यू टेक्सटाइल सेगमेंट से जनरेट हो रहा था एफ वाई ट्वेंटी टू के क्वार्टर फोर के आंकड़ों के हिसाब से टेक्सटाइल सेगमेंट से ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट रेवेन्यू जनरेट किया जिससे पता लगता है कि कंपनी केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर से अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती है और एक बैलेंस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए बनाने की तरफ काम कर रही है असल में टेक्सटाइल स्पेशलिटी सेगमेंट में यूज होने वाले केमिकल कंपाउंड के कई पोटेंशियल एप्लीकेशन है क्लीनिंग और हाइजीन सेगमेंट में कंपनी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और इसी वजह से कंपनी ने वाटर एंड ऑयल बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूड केमिकल्स और कई तरीके के होम के डिसइंफेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स और सैनिटाइजर्स बनाना भी स्टार्ट कर चुकी है फिनियोटेक्स केमिकल्स के पास चार सौ सत्तर ऐसी ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स और कई तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में इनकी दो मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें से एक महापे में है जिसकी टोटल कैपेसिटी साढ़े छत्तीस हजार मेट्रिक टन है और दूसरी अंबरनाथ मुंबई में है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चालीस हजार मेट्रिक टन है इसके अलावा इनकी मलेशिया में भी एक मैन्युफेक्चरिंग यूनिट है जिसकी कैपेसिटी लगभग साढ़े छह हजार मेट्रिक टन की है फिनियोटेक्स की एक सब्सिडरी बायोटेक्स मलेशिया में है जिसका मेन फोकस फिनियोटेक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है बायोटेक्स की मेन स्पेशलाइजेशन क्वालिटी एक्सपेंसिव स्पेशलिटी फिनिशिंग टेक्सटाइल केमिकल्स जैसे वाटर एंड ऑयल रेपेलेंट एंटी माइक्रोबियल्स इत्यादि में है और पेंट सेक्टर में भी इनके कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स की काफी डिमांड है इनका अपनी ज्योग्राफिकल रीच और केमिकल्स की क्वालिटी और वैरायटी को बढ़ाने के लिए जूरोडा सी बेल्जियम के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन और हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट वेंचर है इसके अलावा इन्होंने सस्मीरा इंस्टीट्यूट जो भारत के सर्वश्रेष्ठ टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में जाना जाता है इनके कोलेबोरेशन से आर एंड सेंटर भी खोला है इनके क्लाइंट्स में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जैसे वेल्सपन रेमंड लाइट दीपक फर्टिलाइजर्स इत्यादि कंपनीज का नाम शुमार है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रही है और इनके प्रॉफिट स्टेबल लग रहे हैं कंपनी के कैश रिजर्व में पिछले साल के कंपैरेटिवली अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के पास तीन करोड़ के रिजर्व हैं, जिसके सामने मात्र 7 करोड़ की बोरोइंग बिल्कुल नाम मात्र है जिसकी वजह से ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट पैंसठ परसेंट की शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है और एफ और डी के पास भी लगभग साढ़े चार परसेंट मिला के है कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करें तो स्टॉक की इस वक्त सबसे क्लोज सपोर्ट तीन के लेवल्स पर है इसके अलावा नीचे दो से पैंसठ दो का जोन एक अच्छी सपोर्ट प्रदान कर सकता है और ढाई के लेवल्स पर स्टॉक के पास काफी मजबूत सपोर्ट है और उसके बाद सीधा नीचे दो के आसपास ही अच्छी सपोर्ट दिख रही है रेजिटेंस के तौर पर 325 और साढ़े तीन के लेवल्स स्टॉक के लिए बहुत मजबूत रेजिस्टेंस साबित हो सकते हैं अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा मुझे ऐसा लगता है कि शानदार कंपनी होने के बावजूद इस स्टॉक की वैल्यूएशन इसके पियर केमिकल कंपनीज के कम्पेरेटिवली हाई है स्टॉक का साढ़े का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इसके प्राइस के इसकी बुक वैल्यू पियर्स के कम्पेरेटिवली हायर साइड पे लग रहे हैं तीन और साढ़े के लेवल्स अच्छी खासी रेजिस्टेंस साबित हो सकते हैं और नीचे मेरे हिसाब से सपोर्ट की कन्विक्शन ढाई और दो के लेवल्स के पास ही मिल रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के मूल सिद्धांत को याद रखते हुए अभी के लिए मेरे हिसाब से दूर रहना ज्यादा समझदारी होगी और साढ़े तीन सौ के लेवल्स ऊपर कन्विंसिंगली टूटने के बाद ही स्टॉक पे कोई फ्रेश राय लेना सही रहेगा मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो हो सकता है मेरा इस स्टॉक में पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है आप इसमें खुद की स्टडी जरूर करें और कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें आपको ये लर्निंग वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप किस स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए आशा करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा आगे भी लगातार छुपेस्तम क्वालिटी स्टॉक्स के एनालिसिस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें